स्वागत है जी आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप से भी अच्छे हो गए। बोलते टाइम थोड़ी प्रॉब्लम हो रही क्योंकि भाई यहाँ पे छाल हो गया मेरा, पता नहीं यार इतने छाल क्यों होते रहो हैं। थोड़े दिन पहले अभी तो ठीक हुए थे, अब दोबारा तो फिर हो गए। बाकी भाई जो बाउंड डिस्ट्रेक्टर है उसने अपने पास आए ना आज 12-13 दिन हो गए, और मैंने आपसे भी था पिछली वीडियो में बताया था अभी 24 या 25 तारीख तक ना इस ट्रैक्टर ने रेडी करके और भेज देंगे। चलो भेजने की तो बात एक अलग है, रेडी कर देंगे मतलब 25 तारीख तक, लास्ट 25 तारीख मैंने बोली थी। आज भाई 22 तारीख होगी, टाइम निकलता जा रहा। ट्रैक्टरों पर दो काम हमारे पेंडिंग रह रहे, छोटे मोटे तो और भी रह रहे, मैन दो का तो पिछले टायरों का और एक म्यूजिक सिस्टम का, जो इन मतलब मोटा मोटा काम हुआ है म्यूजिक सिस्टम का। तो फटाफट से पर म्यूजिक सिस्टम के काम को निपटा लेते हैं क्योंकि भाई पिछले टायर अभी तक हमारे आए नहीं। म्यूजिक सिस्टम का काम इसका घर पर ही कर लेंगे हम, सामान हमने सारा सारा इसका मंगा रखा। सोनू ने ट्रैक्टर पर लगे हुए ना 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हुए मतलब काम कर रहा है वो ट्रैक्टर के ऊपर। तो चलो आपसे भी मैं दिखाता हूँ भी कितना काम उस ट्रैक्टर के ऊपर हो गया और कितना पेंडिंग पड़ा है। 16 mm की वायर यूज़ कर रखी भाई, मेरे फोन में 4% बैटरी है तो स्पीड स्पीड में आप तो बता दूं। पाइनर के सबवूफर लगाएं जो अपना स्वराज में नहीं, जो लुक मारे वो वाले पाइनर के स्पीकर लगाएंगे। और मोनो हम भाई S&B के यूज़ कर रखे हमने अपने स्वराज में, ये भाई करंट बहुत ज़्यादा ले इसके, ये बहुत मोटे हैं करंट वाले भी। अब की बार इसमें थोड़ा कम करंट वाले यूज़ कर रहे, थोड़ा रेट भी इनका कम है इनके मुकाबले, लेकिन काम दोनों बराबर कर रहे हैं। वो थोड़ी गेन ज़्यादा फर्क है, ये थोड़ी गेन कम फर्क है। पहले ये लगा के देखेंगे, आवाज़ बड़ी आई तो ठीक है, नहीं तो फिर वो दोबारा तो वह लगा देंगे। यो है 4 चैनल, यो अपना स्पीकरों के लिए, यो सबवूफरों के लिए। सबवूफर भाई ना बोला जिन्हें नहीं पता, और भाई स्पीकर बोला है जो 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 एक सेकेंड इन ये स्पीकर है, ये सबवूफर है। तो फिलहाल सोनू लग रहा काम पर, और अपने स्वराज का हाल देख लो भाई, म्यूजिक सिस्टम वो भी ऐसे कैसे पड़ा। मैं स्वराज पर लग जो काम, स्वराज का ना ये वाला एम्प खराब हो रहा था, इस पर 3 स्पीकर बच सका, सिर्फ 4 नहीं बच सकते, तो ये हमने उतार दिया। इसका भी हम चेंज कर रहे हैं, हमने ला रखा यहाँ पर रखेंगे, और यो भी पहले यहीं पर रख रखा था। सोनू उसका लग रहा काम करने खतर, मैं स्वराज का लग रहा, देखते हैं भाई कौन पहला करेगा। वैसे तो मैं ही कर दूंगा सोनू तो पहला कर, मैंने कुछ और काम ना हुआ तो। ये आ गया अपना ब्रांड न्यू, इसको निकाल ले भाई, पन्नी मत निकाल ले, वारंटी कार्ड इसमें यार अलग जुगाड़ा है थोड़ा सा ना, ठीक सेम सा ही है। स्वराज का तो काम भाई हमने होल्ड पर छोड़ दिया क्योंकि भाई फिलहाल मैंने वीडियो अपलोड करनी। सोनू बाकी लग रहा है जॉन डियर पर काम करन, देखो कितना काम कर दिया इन्हें, वायरिंग ही वायरिंग पूरी दी सारे ट्रैक्टर पर ना, ऊपर एक कैंप लगा भी दिया शायद। हाँ लग रहा है भाई आई थिंक, और मोनो भी मेरे ख्याल से इसमें लगा दिए होंगे, हाँ लगा दिए भाई। हाँ ना एक तो ये रखा, एक लगाया होगा शायद, मेरे ख्याल से एक लगा दिया होगा, एक अभी रह रहा होगा। बस फिलहाल तो इतना ही भाई, और थोड़ी देर में वीडियो आडियो एडिट कर लो, बाद में बनाऊंगा फिर बाकी की वीडियो। मेरे ख्याल कल नहीं होगा काम, बोला करेगी वो लाइट मोए मोए होगा, मोए मोए दे दे भाई। फिर अब तक कहाँ छप रहे तुम भाई? मैं अभी तक वीडियो एडिटिंग कर रहा था यूट्यूब पर डालने के लिए। अच्छा जो काम मैंने कर दिया है अरे मैं करूंगा सोनू क्या हो रहा है, मोए मोए होगी, कर दो मोए मोए, कर दो मोए मोए, और देखा ये और भी मोए मोए करा भाई। भाई वाह दिन भी फेल कर दियो, मोए मोए ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, बल्ले हो तो क्या। हाँ तो भाई दो वूफर और स्पीकर रह गए हैं बिल्कुल कंप्लीट, बजा के भी देख लिया कोई दिक्कत ना हो, सेट है बुल्ट वुल्ट सब चीज़। और निशु भाई और सोनू भाई लग रहे हैं परली तरफ, अपने में सोनू भाई निशु दोनों हेल्प कर रहे हैं भाई, अपना हुक्का भर रहा क्यों भाई, भर रहा क्यों भैया ने मंगवा दी हो लाइट को जुगाड़। अब 1 घंटा काम और रहे को मतलब 12:30 बजे तक फ्री आ जाएंगे। थोड़ी जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था ना ये बैटरी थोड़ी सी हाथ है उठ गई, इसने कल कर लें खोल के। बाकी 52 का भी तो काम दिखा देता हूँ मैं, ये देखो भाई साहब औखा पीलना है रे, मज़ा आ रहा भाई, मज़ा आनंद आ रहा हो भाई आनंद। ओए कॉपीराइट ना आगे चुप हो जा, ये मुन उन लगने लग रहे, ऊपर वाली की फिटिंग होगी ये, मान लो आप पेटी हमारी 50-60-65% हो गया डन काम इसका, उसका भी अभी कर देते हैं, उसका भी ज़्यादा देर काम नहीं है, उसका बस थोड़ी देर काम रह रहा,
और फिर दोनों सुबह बजाओगे, शाम के टाइम तो भी यार रात होगी, बजा नहीं सकते अच्छे तरीके से। मूँगफली चल रही है, क्या सिस्टम है? दबा कर रहे, ठीक है। फिर फटाफट काम पर लग जाए, मैं सौराज पर लग रहा, सोनू जोंडियर पर लग रहा भाई। वीडियो ऑडियो बाद में बनाऊंगे सुबह ही, बस फिलहाल तो काम कर ले। सौराज म्यूजिक सिस्टम डन एंड जोंडियर म्यूजिक सिस्टम ऑलमोस्ट डन बट वायरिंग नॉट डन। वाह, बाकी लाइट देखो क्या हो गया, लाइट फ्यूज हो गई है, मंत्रों के फ्यूज हो गई है। अब कुछ तो बड़े नीचे हो, चलो मार के देखो इसकी। चलो कोई बात नहीं, ओ वाह, बस छतरी उतार दे, कल कल खतर यार। क्यों? तगड़ी लुक आओगी बिना छतरी, देखो कैसा लग रहा। तैर आंदे पहला भाई, 12:40 होगी, 1 बजने वाला हो रहा फिलहाल। ये भाई जान ना करे, इन तो मैं गाड़ी देकर भेज दू, नहीं तो ठंड में कुकड़ी जम जाएगी, कुकड़ी। राम भाई, सारे भाई ने अगले दिन चालू हो गया, ट्रैक्टर पर क्या क्या काम हो लिया वो मैं आप सभी दिखा देता हूँ। बाकी रात हमने बहुत देर तक मेहनत करी, 3-4 सोनू ने करी भाई 5-6 घंटे मेहनत, मैंने करी 2-3 घंटे मेहनत। बाकी म्यूजिक सिस्टम भाई दोनों लगकर रेडी हो गए, थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है वो शाम तक निपटा लेंगे हम। फिलहाल दोनों ट्रैक्टर उन्हें बाहर लेके जा रहे, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम की टेस्टिंग हम नहीं ले सकते। तो म्यूजिक सिस्टम की लुक आपसे चेकआउट करा देता हूँ, 1, 2, 3 देखो। पाइनर के सबवूफर लग गए भाई 4, ऊपर स्पीकर लग गए, ये आप देख सकते हो। हमने यार दोनों ट्रैक्टर बाहर निकाल लिए, खेतों पहुंच गए भाई दोनों ट्रैक्टर लेके। आप सभी लुक चेकआउट करा दिया दोनों ट्रैक्टर आगे म्यूजिक सिस्टम की, और ट्रैक्टर आगे भी बम्फर भाई मैंने इसका उतार करना था, झलर बम्फर काफी चीजें उतार करनी थी, लेकिन हम ऐसे ही ले आए, कोई निकल उतार लेंगे। ये खड़े भाई अपने दोनों ट्रैक्टर, म्यूजिक सिस्टम आप देख सकते हो भाई, आपने बाहर तक देखने में बिल्कुल सेम लगेगा। ये पोर्शन देख लो आप, और ये वाला पोर्शन देख लो आप, ये थोड़ा सा नया दिख रहा है, थोड़ा सा पुराना है क्योंकि अब तो हमने असेंबल कराया, ये बिल्कुल नया रखा। इस पर कितना खर्चा आया वो सभी आप तो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। बाकी इन दोनों में एक डिफरेंस है, जो ऊपर अपने स्पीकर है ये वाले स्पीकर, वो वाले स्पीकर भी सेम है, इनका बॉक्स भी सेम है, जो इन नब जा रहा है जो जुगाड़ नब जा रहा है मतलब एम फोर चैनल वो भी सेम है, लेकिन जो हमारे सबवूफर हैं 4, 1, 2, 3, 4 बेस वाले, इन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें SNB के अलग रहे, इसमें पैनासाउंड के अलग रहे, तो डिफरेंस क्या है, जो SNB है वो थोड़ी पावर ज़्यादा जनरेट करे, और पावर ज़्यादा जनरेट करने के लिए भाई पावर ज़्यादा खींचे भी है, उसके लिए हमने 1 बैटरा और 2 बैटरी रख रखी, प्लस में अल्टरनेटर भी चेंज कर रखा ट्रैक्टर, बड़े वाला अल्टरनेटर लगा रखा। और भाई उसमें हमने ना तो अल्टरनेटर चेंज करा, ना उसमें कोई एक्स्ट्रा बैटरी लगाई, और यार शॉकिंग रिजल्ट है, मतलब इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था। यो म्यूजिक सिस्टम कट मार जाए, जब इन फुल आवाज में बजावें तो बिना ट्रैक्टर स्टार्ट करे, वो वाला म्यूजिक सिस्टम कट नहीं मारता। देखो बैटरी भी कोई एक्स्ट्रा लग रही, अल्टरनेटर भी इसका ओरिजिनल है, फिर भी कट नहीं मारता, यो कट मार जाए। और वाज का भाई आपसे भी डिफरेंस बता दूं मैं, अगर वाज का इतना डिफरेंस है, ये 100% है, 100% है, ये 100% है, 90% है, थोड़ा सा डिफरेंस है आवाज का, थोड़ी सी आवाज इसकी ज्यादा है क्योंकि इसमें जो मोनो एम्प है वो थोड़े बड़े लग रहे, इसमें छोटे लग रहे, लेकिन भाई वैल्यू फॉर मनी जो चीज लगी मैंने वो ये लगी, क्योंकि यूज करने बाद ही पता चला यार एक चीज का, पहला मैंने वो बढ़िया लग रहे थे, लेकिन भाई अब ये यूज करे अच्छे तरीके से 4 बूफर, इन 4 बूफर में नया एम्प लगाया मोनो पैनासाउंड का, वो सब द बेस्ट डिसीजन लग गया यार मैंने, यो सब द बेस्ट है, कोई फालतू झंझट नहीं, सिर्फ अल्टरनेटर चेंज कर दो ताकि बैटरी हमारी खराब ना हो जल्दी जल्दी, कोई एक्स्ट्रा बैटरी रखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही चल जाए। और उसमें तो यार फिर दिक्कत है, उसमें तो कट मार जाओ। बाकी दोनों की आप आवाज चेक कराऊंगा मैं, पहला इसकी करा दूं फिर उसकी कराऊंगा। कितने भी पैसा लगा लो ट्रैक्टर में, 20 लाख लगा ले, पर जो म्यूजिक सिस्टम लगा जाके तो खुशी वो ही नहीं होगा, सही है, अलग ही मजा आवे, सबसे ज्यादा खुशी हो म्यूजिक सिस्टम की भाई। देखो इस साइड आ जाए एक बार तू, अगर ना नॉर्मली यो म्यूजिक सिस्टम दुकान पर रखवाते तो मैं बता रहा यो म्यूजिक सिस्टम कम से कम भी 70-80 या 90 हज़ार रुपये के आसपास का पड़ता, पड़ता इतने का। और अपना कितना खर्चा आया इसके ऊपर? अपना तम नहीं करें खर्चा, बताओ कितना आया होगा इसमें भाई? खर्चा मैं आप सभी तो बता दूं, 58 का खर्चा आया इसमें, 58,000 रुपये का, थोड़ा बहुत कम भी उसका, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी उसके, थोड़ा बहुत और भी काम है, अल्टरनेटर बदले हुए, और इसके अलावा और एक बक्सा सा लगा हुआ है,
500 रुपए का वो बक्सा हो गया पापा को, जैसे हम लग रहे हो वो घर पे पड़ी है, वो फ्री है, वो कोई छोटी मोटी चीजें हो तो घर पे है अपने पास। बैटरी आप कह रहे हो 60 मान लो, तो भाई 58,000 रुपए के आसपास का म्यूजिक सिस्टम में खर्चा आ रहा है। उसमें म्यूजिक सिस्टम का बॉक्स भी आ गया, स्पीकर भी आ गए, वूफर भी आ गए, एम भी आ गए, वायरिंग भी आ गए, ए टू जेड हर एक चीज आ गई, ठीक है। और इसके बाद भाई कोई भी बैटरी एक्स्ट्रा रखने की जरूरत नहीं है, चल जाएगा। अल्टरनेटर बड़ा कर लेना, उसी में काम चल जाएगा। बाद में कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आओ ना तो एक एक्स्ट्रा बैटरी रखवा लियो, बाकी मेरे ख्याल से नीड नहीं पड़ने भाई। जो ये मतलब वीडियो आ रही है और भी आम है कि भाई 1,00,000 रुपया लग गए, 1,00,000 तो ऊपर भी लग जाए, आपने बनाई 1,00,000 तक ऊपर के बताए शायद रेट लगते हैं भाई, पर वो कहाँ सिस्टम है जो? वो सिस्टम बस अपने लिए है। जब भाई तू हमारे घर पास था तो मैंने वीडियो में एक बात बोली थी, जो सामान जितना सस्ता होगा ना उतना सस्ता लगवाऊंगे, चाहे हम अपनी जेब तक देने आओ, लेकिन फिर भी आप जो पैसे कमा के लेकर रहे हो ना मेहनत के कमाई के, वो एक भी पैसा इतना भी गलत नहीं लगने देंगे। कई भाई सोचते हैं भाई दुकान वाले फिर इतने पैसे कैसे क्यों लेते हैं, ये है वो है। तो एक तो भाई देखो इसमें जो चीज यूज कर रखी, जो अंदर हमने मोनो यूज कर रखे है ना, हमारे 15,000 से 20,000 रुपये तो उन्होंने बचा दिए, बैटरी का खर्चा बच गया, अल्टरनेटर का खर्चा, काफी खर्चा बच गया, थोड़े 1,000-1,500 वो पैसे कर हमने इसमें पैसे बचा रखे। इसमें जो फिटिंग करी है आके कम से कम 7,000-8,000 रुपए ले लेते, ले लेते भाई, 11 घंटा लग गए ना फिटिंग। हाँ, भाई वो उनकी जायज लेनी, बहुत मेहनत लगा भाई, ये 15,000-20,000 रुपए का वहाँ फर्क। अगर ड्रिल मशीन ना हो ना किसी के पास तो हाथों में छाले पड़ जाए स्क्रू टाइट करते करते भी, इतनी मेहनत का काम है। तो देख लो भाई आप, यो 58,000 रुपए के आसपास खर्चा रहा है इस म्यूजिक सिस्टम में, उसमें 1,00,000+ का खर्चा रहा, बैटरी का, अल्टरनेटर का, वायरिंग का, सारा कुछ मिला के। और डिफरेंस आप सभी देख सकते हो, कुछ खास इतना मेजर डिफरेंस है नहीं। अगर किसी भाई के पास पैसे ज्यादा हैं और वो भाई करंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके तो S&B के मोनो लगाना जो हमने इस ट्रैक्टर में लगा रखे। अगर किसी भाई ने ज्यादा खर्चा नहीं करना और अपना शौक पूरा करना 4 वूफरों के साथ, आवाज वो तो क्या होगी, नॉर्मल आदमी की दोनों की आवाज में डिफरेंस पता भी नहीं कर सकता। जिस बंदे ने नॉलेज है ना सिर्फ वो पता लगा होगा भाई इनमें डिफरेंस कितना है आवाज में। बाकी दी बेस्ट चीज है भाई, सस्ती, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया। एक आधा और गाना बजा दूं, आप तक चेकआउट करा दूं। बाकी भाई ये बताओ, डैक से सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल है? एक बार फिर एक थोड़ा स्टंट दिखा दे ट्रैक्टर बड़का सा। बड़का सा करना पड़ेगा यार, हमारे पास आएगा तो यार चल खड़ा हो, चल चल चल, कुछ नहीं पढ़ने दे तू यार, इतनी छोटी मोटी चीज नहीं देखा कर यार, नहीं लाग जाएगी साड़ी टूटेगी तो। चल हड़का सा स्टंट दिखा, चल ना करंट कम ले। चल एक बारी और, टायरों की कमी है भाई ट्रैक्टर में। नीचे आ जा, मैं लगाऊंगा आटा, फोन पर उस तरफ चला जा।
टायर नवा भाई चिकना ज्यादा है रहे, घास में चिकनाई भी ज्यादा है रही है, का दम कर रहे हैं। जब तक स्टंट ना होगा मानेंगे ना। तगड़ा लग रहा भाई डॉक्टर जो आवाज है ये। जिंदगी बन जाएगी जिस दिन टायर आ जाएगी पिछले आगे। भाई ये टेस्टिंग इसलिए लेकर देख रहे ताकि हमने म्यूजिक सिस्टम की मजबूतियां पता लग सके, जो कुछ टूटना फूटना होगा यहीं टूट जाएगा, इस भाई ने घर जाने के बाद दिक्कत नहीं आने की। 52 पदक भाई कर लिया स्टंट, सौराजपुर कर दे एक ना, है? ना। एक छोटा सा रेंदे हो, रेंदे हो। हाथ काले हो जाएंगे, कल अभी तो करो, कल ही तो करो, कल ही तो करो। सौराज तो डर है भाई, स्टंट ना करो दिक्कत आ जाएगी ना। एक सरप्राइज और देना चाहूं मैं, बताओ तेरे टायर आ गए 3-4 दिन तक कह रहे हो, ऐसे ही सरप्राइज देना चाहूँ, सरप्राइज देना चाहूँ ना, कसम दागे सही बताओ, सोनू की कसम, फिर विश्वास है, फिर विश्वास है, विश्वास है, दिखाओ वीडियो दिखाओ फिर। खुशी खुशी भी खुशी हो रही है, म्यूजिक सिस्टम लग गो, जो मेन सबसे बड़ी खुशी म्यूजिक सिस्टम की है, फिर वहाँ के बाद टायरन की, बम्पर की, और जो मेन खुशी है पिछले टायरन की वो आगे आगे आगे, तो दिखा दे एक बार वीडियो, जब ही मन लगेगा, जब ही विश्वास होगा, सोनू को विश्वास डर हो तो कसम को सोनू की कसम का विश्वास ना करो, झूठी खाओ सोनू कसम, सोनू ना तने उठा ना उठाने के डोले, छोटे टोचन की कसम आ गए फिर तो विश्वास है, कसम खाने की जरूरत नहीं आप आगे 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 लिए भी ना ना यकीन आओ, चला फिर लेने के लिए चलो, फिर एक दिक्कत है, ट्रैक्टर पटियाला लेके जाना पड़ेगा, पटियाला का बम्बई ले चलो, वैसे ट्रैक्टर कोई दिक्कत ना हो, फ्लेक्सी रहे से ट्रैक्टर चला ले को चलो फिर चलो, फिर सोनू आ रहे तुम गाड़ी से आओ ट्रैक्टर लेके, चलो भाई ठीक है फिर, हम जान लगे भाई टायर लेने के लिए, मिलते हैं आप तक कल और एक नई वीडियो साथ, कल तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।